नवाब नंदनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देश सुंदर हज़ार सात की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यूएंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक

सिंह काम करें संध्या राय तथो भाई देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैकम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों में काम किया देवगन जिसमें दो राष्ट्रीय सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाबाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान की दालीजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्योल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूह के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठाबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता करिश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही की जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव जोड़े, जोड़े के के समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दर दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगन ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तने को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और हाँ यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाबनंदनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी सुंदर हजार सात की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक

तथो भाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग संदर्श शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फते केशतो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन ये पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया, के में के किया देवगन, देवगन ने कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम की दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रशंसा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन की प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन दो हजार में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यों से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठाबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव समारोह में दंपति के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दर दस मे हुआ देवगन काजोल के नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में के रूप में कार्य करने का किया गया देवगन ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। एक और जो हाँ के में से रखता है। देवन पहले बॉलीवुड यात्रा के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छाइंगन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन कंपनियाँ एस के मूवीज मूवी वितरित है एस के मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कॉल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभा देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम संगीत गांगुली मुक्त सन्दर्शात रिकॉर्डिंग सन शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आच्य स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बैनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरू देवगन जिन्हें पेशोर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन ने पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवो ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवान द लेजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू एम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी मां वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा गया थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

कर दिया। हिंदू और रूप जो हाँ के रखता है धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यूएड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम करे संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग संदर्श शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिले को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी के पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं सन्दौर छः में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैरियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवान की दालीजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्योल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूह के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठाबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्मते हुए अभिनेता कृष्णा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही की पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

कर दिया। हिंदू और रूप पहनते जो हाँ धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाबनंद एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निधि साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बस ने उत्पादन की बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक सेलगम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है <स्थ> आज के समय में उनके मे जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनकी जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिल को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगनी कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं सन्दर छह में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसायी अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय बस उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवानगी दिजेंडो भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्योल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मिता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मिता पटकथा लिखा के थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्म आते हुए अभिनेता करश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभवित जोड़े समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म दस में हुआ देवगन काजोल के नवजात बेटे के गर्भ नाल गर्भनाल को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपनाम देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन

फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बस ने उत्पादन तेईस जनवरी बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम रहे है रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय भाई देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फते केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा सान जून बनर्जी केमन आचो बोलो सान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन ये पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देववन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देव ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी और के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाली दिलवाली जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवानगी दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्जुल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मिता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मिता पटकथा लिखा लेखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभावित जोड़े कहा वो इस जोड़ी ने देवगन के परिवार के पारिवारिक हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्द में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में मेंोत के रूप में कार्य करने का किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और रूप जो हाँ के में से रखता है धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा सुंदर की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो कार्यकारी समय है एक भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय भाई देवी अशोक कुमार मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनिक चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैकम संगीत गांगुली मुक्त रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आछ ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बैनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं

पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम की दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था आठ में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्य से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही हालांकि जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभावित जोड़े कहाारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जम तेरह में हुआ बेटेयुग का जम सं दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और उतिका को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपनाम देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और पहनते जो हाँ धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाबनंद एक रूप लिखा, लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक का सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रही हैं रंजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम करें संध्या राय तथो भाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक संगीत गांगुली मुक्त साथ रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा सान जून बनर्जी केमन आचो बोलो सान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगने पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिले को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगनी कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं सन्दौर छः में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम की दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्य से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मिता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूह के सिलेबस बीच स्कूल से स्नातक की और फिर मीठाबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता करिश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की इस चौड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपनाम देवगुन की बर्तने को बदलकर देवगन कर दिया वह एक हिंदू और परम जो हाँ धार्मिक विश्व के रूप में विशेष रखता है देवगन पहले बॉलीवुड शूटिंग स्थानों पर यात्रा के लिए के के लिए के लिए यात्राओं निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा, लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम करे है रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक सेल्गम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग संघर्ष सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है <स्थ> आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरुदेवगन जिन्हें पेशोर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता

अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरु देवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवगन ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवानगी दालीजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम फिल्म के मालिक है जिसे सन दो में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री का से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियरोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मिता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मिता पटकथा लिखा के थी देवगन ने जूह के सिलेबस बीच स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता करश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव जोड़े कहा वो इस जोड़े ने देवगन के परिवार के पारिकीय हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दर दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपनाम देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और हाँ यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा, लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छाइंगन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन कंपनियाँ एस के मूवीज मूवी वितरित है एस के मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश का भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम गीत गांगुली मुक्त सन्दर्शात रिकॉर्डिंग सन शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी जीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेह ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरू देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्मों में काम किया के जीते दो फिल्म चार फिल्म में देश के देवगन के दो राष्ट्रीयगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवो ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान की दीजेंट और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्माता पटकथा लिखा गया थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हालांकि की जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

देवगुण ने अनुरु किया कि अपने उपनाम देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया वह एक हिंदू और परम पहनते जो हाँ धार्मिक के रूप में विशेष उपस्थिति रखता है पहले बॉलीवुड शूटिंग स्थानों पर यात्रा के लिए पदों के के लिए के लिए यात्राओं निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा, लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक, मलिक, मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन रिलीज की तारीख है है तेही कारे कारे है है जनवरी सन कार्यकारी समय मिनट देश भारत भाषा बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम करे है संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक सेल्गम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है <ख्खो> आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिल को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगनी कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं सन्दौर छः में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय बस उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान की दाली और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्योल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठाबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्णा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही हालांकि चौड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभवित जोड़े कहा वो इस जोड़े ने देवगन के परिवार के राष्ट्रीय हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और रोतिका को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बढ़तने को बदलकर देवगन

फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बस ने उत्पादन तेईस बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय तथो भाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक सेलबम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग संदर्श शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फते केशतो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरू देववन जिन्हें पेशोर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिल को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगन कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पर पुरस्कार शामिल हैं सं में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरू देवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरु देवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवगन ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवानगी द लेजेंट भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम फिल्म के मालिक है जिसे सन दो में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री का से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्माता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्माता पटकथा लिखा लेखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्म आते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव कहाारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगुन ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बढ़तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और हाँ रूप देवघन पहले बॉलीवुड यात्रा के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाबनंदनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छाएंगन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन कंपनिया एस के मूवीज मूवी वितरित है एस के मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितिया सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम संगीत गांगुली मुक्त सन्दर सात रिकॉर्डिंग सन शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मोवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बैनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनन्त लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनकी जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरू देवगन जिन्हें पेशोर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है वह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन ये पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवो ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवानगी द लेजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन की प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू एम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्म आते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल हालांकि इस जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभवित जोड़े कहाारोह के के में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दौर दस में हुआ देवगन काजोल के नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन

फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग छह सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों में काम किया देवगन ने कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म छह में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरू देवगन दो अप्रैल उन्नीस अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाबाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरू वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान की दालीजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिन गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूह के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिल्म मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्मते हुए अभिनेता करिश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही की पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव जोड़े कहा वो इस जोड़ी ने देवगन के परिवार के हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सं दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भ नाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगन ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बढ़तने को बदलकर देवगन

फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है बाबुल बस ने उत्पादन की बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक सेलगम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों में काम किया देवगन ने पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पर पुरस्कार शामिल में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय वै वै अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दिवानगी दालीजंड भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिकिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू एम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री काजोल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी मां वीना एक फिल्म निर्माता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्माता पटकथा लिखा करते थी देवगन ने जूह के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें जोड़ी कहा वो इस जोड़े ने के के परिवार हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म दस में हुआ देवगन काजोल के नवजात बेटे के गर्भ नाल गर्भनाल को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने का संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन

फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छाएंगन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुल बाबुल बस ने उत्पादन कंपनिया एस के मूवीज मूवी वितरित है एसके मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रंजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम संगीत गांगुली मुक्त सात रिकॉर्डिंग सन शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते सान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम विलासा सान जून बनर्जी केमन आचो बोलो सान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशोर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन ये पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक में काम किया, के जीते फिल्म फिल्म में के किया देवगन जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय बस उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी और के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाली दिलवाली जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दिवानगी दालीजंड भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन की प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री काज से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा गया थी देवघन ने जूहू के सिल्वर बीच स्कूल से स्नातक किया और फिल्म मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल हालांकि इस जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभवित जोड़े कहा वो इस जोड़ी ने देवगन के परिवार के राष्ट्रीय हिंदू समारोह में दंपति के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दौर दस में हुआ देवगन काजोल के नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में मेंोत के रूप में कार्य करने के का किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और रूप जो हाँ के में से रखता है धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यूंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय भाई देवी अशोक कुमार मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैकम संगीत गांगुली मुक्त संदर्शा रिकॉर्डिंग शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेह ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बैनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलस को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगनी के पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पर पुरस्कार शामिल हैं सन्दौर छह में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम की दालीजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगेंस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यू एम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कारजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्म आते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल ही हालांकि जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव जोड़े, जोड़े के के समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जम तेरह में हुआ बेटेयुग का जम काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और उतिका को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत स्टे, के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और पहनते जो हाँ धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा, लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू डेब्यूंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजित मलिक मूवी का छाएंगन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन कंपनिया एस के मूवीज मूवी वितरित है एस के मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक सेलगम संगीत गांगुली मुक्त सुंदर संघर्षात रिकॉर्डिंग सन शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक विस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों में काम किया देवगन कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं छह में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरू देवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरू वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवानगी दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजित देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन दो हज़ार में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की उन नयानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्य से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन एक स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्माता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूह के सिलेबस बीच स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्णा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की इस चौड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडराज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव जोड़े, जोड़े के के समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में टेक्सटाइल स्रोत के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगुन की बढ़तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और रूप जो हाँ के में से रखता है धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जानने जाते हैं नवाबनंद एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायागन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुल बाबुल बस ने उत्पादन कंपनिया एस के मूवीज मूवी वितरित है एस के मूवीज द्वारा रिलीज की तारीख है तेईस जनवरी सन दो हजार सात कार्यकारी समय है एक सौ बीस मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय भाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदिनी साउंड ट्रैक एल्बम संीत गांगुली मुक्त रिकॉर्डिंग सन सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदिनी मंत्री फते केस्तो सभी गीत पुस्तक द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेह ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंत लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरू देवगन जिन्हें पेशोर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया, के में के किया देवगन, देवगन भाई भाई ने कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक देवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दिवानगी द लेजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम फिल्म के मालिक है जिसे सन दो में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री काज से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा गया थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभवित जोड़े कहा इस जोड़े ने देवगन के परिवार के पारिकीय हिंदू समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे नयासा का जन्म तेरह में हुआ बेटे युग का जन्म सन्दौर दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्तिका को गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया। बॉलीवुड हाँ शूटिंग यात्रा के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा, लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी सुंदर साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू डेब्यूवेंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन कंपनिया है मूवीज है रिलीज की तारीख तेईस जनवरी सन दो कार्यकारी समय है एक मिनट देश है भारत भाषा है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय भाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनिक चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक सेल्बम संगीत गांगुली मुक्त सुंदर सात रिकॉर्डिंग सन दो हज़ार छः पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतिकेश तो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते के अलका याग्निक हमी आचे इसने ममता मिश्र कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, आ, विलासा सान जून बनर्जी केमन आचो बोलो सान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगनी पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया देवगनी कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पुरस्कार शामिल हैं सन्दौर छः में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठाभाई कॉलेज व्यवसायी अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन, देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवो ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाला एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान द लेजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था आठ में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्यजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरू देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्माता पटकथा लिखा गया थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हालांकि की जोड़ी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

कर दिया। हिंदू और परम जो हाँ धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाब नंदिनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक

सिंह काम करें संध्या राय तथोभा देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड्रैकम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग सैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब मंत्री फतेह केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा सान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो आनंद लोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में ख़ास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीर देवगन जिन्हें पेशवर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से अधिक फिल्म फिल्मों में काम किया देवगन ने कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चार फिल्म पर पुरस्कार शामिल भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था पैदा होना विशाल वीरू देवगन दो अप्रैल उन्नीस अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरू वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जखम हम दिल दे चुके सनम दीवान की दिजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंगस गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम एक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था आठ में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कार्योल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थी उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्माता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्णा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

कर दिया। हिंदू और पहनते जो हाँ धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नवाबनंद एक रूप लिखा, लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निशा साथ की रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी फिल्म में हिरन कोयल मलिक संजीत मलिक राधा रेना ने अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंट फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखित है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है, 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 है बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम रहे हैं संध्या राय तथोभाई देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनी चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक सेल्वम संगीत गांगुली मुक्त संघर्षाथ रिकॉर्डिंग संदर्श शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फते केशतो सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आचे स्नेहा ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनके जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशोर रूप से जय देवगन के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक फिल्म हिंदी फिल्मों में काम किया है देवगन ने पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्म फिल्मों में काम किया, के में के किया देवगन, देवगन ने कई पुरस्कार जीते जिसमें दो राष्ट्रीय दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय बस उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक वीरुदेवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवों ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटे के साथ अपने पेश और कैियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवानगी दालीजंड भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल है इसके अलावा देवगन एक प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एम फिल्म के मालिक है जिसे सन दो में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री का से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कैरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्माता थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्माता पटकथा लिखा लेखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता करिश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया उसी वर्ष अभिनेता काजोल के देवगन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब गुंडा राज में सह कलाकार थे उसके विपरीत व्यक्तित्व के कारण मीडिया ने उन्हें असंभव समारोह में दंपत्ती के दो बच्चे में हुआ बेटे युग का जन्म दस में हुआ देवगन काजोल के भी नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और गंभीर बीमारी के मामले में स्रोत के रूप में कार्य करने के संत किया गया देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपरांत देवगन की बढ़तनी को बदलकर देवगन कर दिया। हिंदू और रूप जो हाँ धार्मिक में से रखता है धार्मिक यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं नंदनी एक रूप लिखा लिखा गया है हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निजी रोमांटिक बंगाली फिल्म है जो अंजन चौधरी द्वारा लिखित कहानी है फिल्म में हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक राधा रेना अभिनय किया है यह फिल्म हिरन की डेब्यू एंड फिल्म है इस मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती मूवी लिखी है अंजन चौधरी द्वारा मूवी निर्मित है जगदीश पांडे द्वारा इस मूवी में अभिनेता है हिरन कोयल मलिक रंजीत मलिक मूवी का छायांकन दिया है अंजन चौधरी ने संगीत दिया है जीत गांगुली ने बाबुल बस ने उत्पादन रिलीज की तारीख है जनवरी सन कार्यकारी समय है 120 है है मिनट देश भारत भाषा बंगाली फैगना के बारे में बात की जाए तो नवाबी के रूम में हिरन चटर्जी काम कर रहे हैं नंदनी के रूम में कोल मलिक और उनकी प्रेमिका के रूम में काम कर रहे हैं रजित बनर्जी के रूम में रंजित मलिक और उनके चाचा माना सिंह काम कर रहे हैं संध्या राय तथोभा देवी अशोक कुमार द्वितीय सुमत मुखर्जी अनुराधा रॉय रामन राय चौधरी संचिन मलिक संगनिक चटर्जी नवाब नंदनी साउंड ट्रैक संगीत गांगुली मुक्त सुंदर सात रिकॉर्डिंग सन दो सैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक एक्स के मूवी चीत गांगुली कार्यक्रम क्रांति नवाब नंदनी मंत्री फतेह सभी गीत पुष्टम द्वारा लिखे गए हैं सभी गीत संगीत गांगुली द्वारा रचित है आज मोहन हराते शान अलका याग्निक हमी आच्छे स्नेह ममता अमित कुमार छुपी छुपी कोरा कोरा शान अलका याग्निक और रूप ओम वि, विलासा शान जून बैनर्जी केमन आचो बोलो शान अलका याग्निक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो अनंतलोक लोक बेस्ट एक्शन हीरोज अवार्ड हिरन चटर्जी को जाता है इस मूवी में इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं उन इसके अतिरिक्त मूवी में और बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हम उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते हैं हम इसके अतिरिक्त हम बात की जाए तो हम और भी एक्टर के बारे में जानते हैं परंतु तो वे सब में खास हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है आज के समय में उनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमें उनके जैसी होना उनकी जैसी स्थिति को पाना उनके जैसे सलीम खान के रूम में प्रस्तुत करना और उनके जैसे हमें बनना एक वरेस्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य तत्व तो बन जाता है इसके अतिरिक्त हम उनके शो में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बट जितना भी जानते हैं वे काफ़ी कुछ उनके बारे में अच्छे से हमें बताता है विशाल वीरु देवगन जिन्हें पेशवर रूप से राज्य देवगन के नाम से जाना जाता है वे एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता है उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्म फिल्मों में काम किया है देवगन पुरस्कार जीते हैं जो उनकी उसी काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं उन्होंने सौ से फिल्मों में काम किया कई पुरस्कार जीते सम्मानित किया गया थारुदेवगन दो अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर अन्य नाम अजय देवगन शिक्षा मीठा भाई कॉलेज व्यवसाय अभिनेता फिल्म निर्देशक सक। सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे जीवन साथी काजोल बच्चे दो अभिभावक देवगन रिश्तेदार देवगन परिवार पुरस्कार पूरी सूची देवो ने उन्नीस सौ इक्यानवे फूल और काटी के साथ अपने पेश और करियर की शुरुआत की जिगर संग्राम दिलवाले दिलवाले जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे उन्हें जख्म हम दिल दे चुके सनम दीवानगी द लेजेंड और भगत सिंह समीक्षा द्वारा प्रदर्शन किया गोलमाल फन अनलिमिटेड की सफलता के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ सहयोग किया गोलमाल रिटर्न ऑल द बेस्ट फन पिगिंग्स गोलमाल थ्री सिंगम बोल बच्चन सिंगम रिटर्न और गोलमाल सहित अन्य कई एक्शन कॉमेडी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टोटल धमाल और तानाजी शामिल हैं इसके अलावा देवगन की प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन एमएक्स फिल्म के मालिक है जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था में उन्होंने यूएम हम के एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की और निन्यानवे में फिल्म अभिनेत्री कारजल से उन्होंने शादी कर ली देवगन का मूल और अमृतसर पंजाब हिंदू परिवार में हुआ था परिवार के मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है देवगन के पिता वीरु देवगन स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे उनकी माँ वीना एक फिल्म निर्मित थी उनके भाई अजय देवगन एक फिल्म निर्मित पटकथा लिखा थी देवगन ने जूहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठा भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की देवगन ने जिगर को फिल्माते हुए अभिनेता कृष्ण कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया हाल की स्टोरी ने पिचानवे में अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया

देवगुण ने अनुरोध किया कि अपने उपनाम देवगुन की बर्तनी को बदलकर देवगन कर दिया वह एक हिंदू और परम विरोध्राक्ष पहनते जो हाँ धार्मिक विश्व के रूप में विशेष उपस्थिति रखता है देवगन पहले बॉलीवुड शूटिंग स्थानों पर परिवहन के लिए पदों के लिए व्यस्त यात्राओं के लिए निजी जैट मालिक होने के लिए व्यक्तित्व में जाने जाते हैं